आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिभा खोज का आयोजन किया गया, जिसमें 23 टीमों ने भाग लिया और अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिसके संबंध में संस्कृति विभाग के प्रभारी मनोज कुमार गौतम ने बताया कि यह आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रतिभा खोज का आयोजन किया गया है तथा यह आयोजन प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है और जनपद के 23 कलाकारों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया था, जो कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इन कलाकारों को QR कोड परिचय पत्र दिया जाएगा, क्योंकि प्रदेश भर में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन विभिन्न अवसरों पर होते हैं, उस समय कलाकारों को अपने कला को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ कलाकार चेता सिंह एवं सांस्कृतिक विभाग के प्रभारी मनोज कुमार गौतम और अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने कहा, एक ठुमरी है याद किया है, फागुनी में कोई लकरार हो, फागुनी में कोई लकरार हो, सवनों में नाई लगाया हो, फागुनी में कोई लकरार हो, सवनों में नाई लगाया हो, नाई लगाया हो, नाई लगाया सजरिया पे जाई।
ये प्रतिभा जो चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो ये जो चल रहा है सांस्कृतिक विभाग द्वारा अच्छे कलाकारों की यहाँ चयन किया जा रहा है, तो जो अच्छे कलाकार हमारे आएंगे उनको आगे बढ़ाएंगे। ये कहाँ के कलाकार हैं सर? ये सब स्थानीय कलाकार हैं सर, हमारे गोरखपुर के जितने भी आजू बाजू के क्षेत्र के जब जो हैं लोकल कलाकार हैं सब। एक दिन के लिए कि आगे भी? नहीं, आगे भी जो इनको जो चयन किया जाएगा इनको फिर आगे बढ़ाया जाएगा। मैं डॉक्टर मनोज कुमार गौतम, उपनिदेशक राजकीय भाव संग्रहालय गोरखपुर, प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र गोरखपुर। देखिए, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये आयोजन किया गया है सांस्कृतिक प्रतिभा खोज। इसमें पूरे प्रदेश में 75 जनपद हैं हमारे, सभी जनपदों में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस प्रस्तुति में जो कलाकार आए हैं, यहाँ पे गोरखपुर में 23 कलाकारों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया था, आज उनका स्वर परीक्षण किया जा रहा है और इन कलाकारों को ग्रेडिंग प्रदान की जाएगी और विभाग द्वारा QR कोड बेस्ड जो है इनको परिचय पत्र प्रदान किया जाएगा। और प्रदेश भर में जब भी हमारे जो सांस्कृतिक आयोजन विभिन्न अवसरों पर होते हैं उन अवसरों पर इन कलाकारों को प्रस्तुति का अवसर प्रदान किया जाएगा। 11-17 अगस्त तक चलेगा आज़ादी का महोत्सव, भाग लेंगे लोग? नहीं, देखिए 11-17 का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव उसमें हम हर घर तिरंगा का कार्यक्रम है वो, और उसमें अलग से चूँकि प्रतियोगिताएँ जब तक पूरे प्रदेश में संपन्न नहीं हो जाएंगी तब तक इसका चयन कर पाना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे विभाग में जो रजिस्टर्ड पंजीकृत कलाकार हैं उनको 11-17 में विभिन्न जगह पे विभिन्न आयोजन जो किए जाएंगे वहाँ पे अवसर प्रदान किया जाएगा। किस तरह का आज प्रतिभा को चल रहा है? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज यहाँ पर सांस्कृतिक विभाग द्वारा सांस्कृतिक मतलब कलाकारों की तरफ से जो आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें जो अच्छे जो कलाकार होंगे उनका आज यहाँ पर चयन किया जाएगा। लगभग कितने कलाकार बुलाए गए हैं यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 23 कलाकार आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी को 5-5 मिनट का मौका दिया गया है और जो भी अच्छा इसमें गाएंगे मतलब उसमें ग्रेडिंग की जाएगी। क्या सर, ये जो 11-17 तक चलेगा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के भाग लेंगे जो चयनित होंगे? हाँ, उस बीच बीच में जब चूँकि ये सारे हमारे कलाकार सब लोकल स्तर के हैं, स्थानीय स्तर के ये कलाकार हैं, तो इनको अगर हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो उनको शामिल करेंगे।